हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही प्यारा एंड छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट ए सब डोमेन्स एंड एड ऑन डोमेन्स इन सी पैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वर्डप्रेस सीरीज की जितनी भी वीडियो है के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सब डोमेन्स क्या होता है, इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, एंड एड ऑन डोमेन क्या है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे वेब होस्टिंग के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वेब होस्टिंग का टॉपिक्स नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप पहले देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमारे जितने भी वीडियो के टॉपिक्स आएंगे उसमें 2 मिनट्स का सारी थर्टिकल पार्ट रहेगा, एंड 20% थर्टिकल पार्ट रहेगा, 80% हमारा पूरा प्रैक्टिकल्स रहेगा। तो सब डोमेन्स आर यूज टू डिवाइड योर प्राइमरी वेबसाइट इंटू ए डिफरेंट कैटेगरी। मीन्स सब डोमेन्स कैसा हो गया कि आपका अगर कोई टॉपिक है, एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ glenrush.com, एंड मैं उसके साथ में एक सेपरेटली यूट्यूब या फिर एक फेसबुक करके सब डोमेन बनाता हूँ कि facebook.glenrush.com, तो ये मेरा फेसबुक का सब डोमेन हो गया। अगर मैं यूट्यूब पर सब डोमेन बनाना चाहता हूँ तो youtube.glenrush.com। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के इसमें डिवाइड कर देगा। अगर आपको पिनरेस्ट पे बनाना है तो pinterest.glenrush.com, तो इस तरह का URL निकल कर आता है, तो उसको हम सब डोमेन कहते हैं। एंड एड ऑन डोमेन आर यूज व्हेन यू वांट टू एड इन न्यू डोमेन नेम टू योर होस्टिंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर न्यू होस्टिंग। तो कुछ कंपनियां जो है होस्टिंग के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, फीचर्स अलग अलग रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि कुछ कंपनीज जो है वो एक होस्टिंग पर एक ही डोमेन चलाती हैं, एक ही डोमेन अलाउ करती हैं, एंड बट कुछ कंपनीज जो है एक होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स अलाउ करती हैं, यानी एड ऑन डोमेन आप यूज कर सकते हैं, यानी आप एक होस्टिंग परचेज करेंगे और उसमें मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। वो कितने रहेंगे वो उनके पैकेज के ऊपर डिपेंड रहता है, कुछ कंपनियां देती हैं और कुछ कंपनियों में सिलेक्टेड पैकेज होते हैं जहां पर होस्टिंग एड ऑन होस्टिंग डोमेन ऐड करने का फीचर्स रहता है। सो हाउ टू क्रिएट ए बोथ सब डोमेन एंड एड ऑन डोमेन्स, चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स की तरफ सी पैनल में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे सी पैनल का डैशबोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आते हैं। मैं आपको इसको पूरा ऑप्शन का लेआउट नहीं दूंगा। यहाँ पर आपको डोमेन का एक सेक्शन मिलेगा, ये डेटाबेस का आप सेक्शन देख रहे हैं, डेटाबेस पर हम अभी आगे वर्कआउट करेंगे, तब आप उसमें देखेंगे कि डेटाबेस का क्या यूज होता है। तो ये हमारा है डोमेन सेक्शन। डोमेन्स में आप यहाँ पर देखेंगे डोमेन है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन में एड ऑन डोमेन है। सो ये डोमेन जो है ये हमारा प्राइमरी डोमेन्स के लिए रहता है, एंड ये एड ऑन डोमेन्स के लिए रहता है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि सब डोमेन्स का भी ऑप्शन है। तो हमारे जो होस्टिंग पैकेज है इसमें आपको राइट साइड में ये आपको दिखा रहा है एड ऑन डोमेन 0 0 बाय 0, तो मीन्स हम यहाँ पर एड ऑन डोमेन एड नहीं कर सकते। इस होस्टिंग के अंदर ये फीचर्स नहीं है कि हम एड ऑन डोमेन यूज करें। अगर हम यहाँ पर करना भी चाहेंगे तो यहाँ पर हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे देगा। एड ऑन डोमेन में मैं क्या ले लेता हूँ, मेरा सेम डोमेन नेम ले लेता हूँ glenrush1.com। अगर हम ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें ये वार्निंग देगा, योर एड ऑन डोमेन लिमिट इज 0, एड ऑन डोमेन हैज बीन रीच, the add-on domain glenrush1 was not added, means हमारा जो लिमिट है वो 0 है, हम add-on domain नहीं यूज कर सकते, हम खाली प्राइमरी डोमेन ही यूज कर सकते। तो हम गो बैक पे क्लिक करते हैं, आपको इसमें होम पर जाना है, तो यहाँ पर ये डॉट डॉट का आइकॉन है, यहाँ से आप होम में जा सकते हैं, एंड वापस से अभी हम डोमेन सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं add-on domain। तो add-on domain का आप देखेंगे कि सब डोमेन्स, तो सब डोमेन यहाँ पर हमें अनलिमिटेड दिया हुआ है, हम कितने भी सब डोमेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब डोमेन्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब डोमेन में हम यहाँ पर दे देते हैं यूट्यूब, या वीडियो दे देते हैं हम यहाँ पर, वीडियो के नाम से हमारा सब डोमेन बनेगा। तो सब डोमेन हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं video.glenrush.com, इसको हम कर देते हैं क्रिएट। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। अगर आपको कभी यूज होगा तब आप उसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, सी पैनल की तरफ से है ये एग्जाम्पल, blog.example.com, ये भी आपका एक सब डोमेन है। तो मैक्सिमम कंपनीज जो रहती हैं वो अपना ब्लॉग सेपरेट बनाती हैं, एंड उनका मेन वेबसाइट जो रहता है वो सेपरेट रहता है। तो सब डोमेन
सिर्फ इसी पर्पज के लिए यूज ज्यादा यूज होता है। तो अभी हमने जो सब डोमेन बनाया है वीडियो का, हम उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से हुआ है। यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर आपका ये सब डोमेन बन गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर भी है ये। इसको कॉपी कर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो ये हमारा सब डोमेन बन गया दोस्तों। यहाँ पर भी हमारा SSL का इश्यू है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में आपको सिखाएंगे किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक, हाउ टू क्रिएट ए सब डोमेन्स एंड एड ऑन डोमेन्स इन सी पैनल। हमारे में एड ऑन डोमेन्स का फैसिलिटी नहीं था, इसलिए हम नहीं कर पाए, तो और उसका इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता। दोस्तों लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस फॉर बिगनर सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका बेनिफिट आप लोगों को और आपके रिलेटिव एंड आपके सर्कल में सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।